नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मुनक्कदा नुमाइश चीन, कोरिया, जापान और थाईलैंड समेत मशरकी एशियाई फनपारों को प्रिंट मीडियम में पेश किया गया, जिसे देखने वालों ने इनफरादियत के एतबार से सराहा। हमें ये चीज़ जनरली गैलरीज में नहीं मिल रही होती है, और ये एक स्पेसिफिक कलेक्शन है जिसको रखा गया है मखसूस लोगों के लिए, मखसूस स्टूडेंट्स के लिए, मखसूस आवाम के लिए। सो आई थिंक जिसको भी मौका मिल रहा है वो आकर यहाँ पर इनको ज़रूर एक दफ़ा देखें और इनके अंदर जो डिटेल्स हैं उनको नोट करें। पर्सन देखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो प्रिंट मेकिंग स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह प्रिंट मेकिंग का काम लगा हुआ है यहाँ पर, कुछ न्यू टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, तो फिर दे कैन यू नो टेक इंस्पिरेशन फ्राम दैट और उससे फर्दर रिसर्च कर सकते हैं और सीख सकते हैं उससे। प्रिंसिपल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के मुताबिक इस इकदाम से आर्ट से लगाव रखने वालों को आर्ट के नए टेस्ट से रोशनास कराने की कोशिश की है। जापान के, पाकिस्तान की ओबियसली इससे एवेन्यूज खुलेंगे, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें देखने का मौका मिलेगा और फिर वो इंस्पिरेशन तो आर्टिस्ट लेता है और ये क्रिएटिविटी की ये बेसिक चीज़ है। नुमाइश के दौरान जापानी कौंसल जनरल इवासाकी रूजी ने पाकिस्तान और जापान के सकाफती रिश्ते को मजबूत करार देते हुए आर्ट के फरोग और उसकी अहमियत से मुतल्लिक आगाही देने पर जोर दिया। कैमरामैन जलील अहमद के साथ कासिम अरशद, डॉन न्यूज़, लाहौर।